मानसून ने अपने प्रवेश के संकेत दे दिए हैं। 15 जून तक प्रदेश में मानसून का आगमन का अनुमान है। ऐसे में अभी भी प्रदेश के कई जिलों में धान संग्रहण केंद्रों में लाखों क्विंटल धान उठाव के अभाव में पड़ा हुआ है, जिसके बारिश में भीगने और खराब होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। और प्रदेश के हर जिलों में अन्य सालों की अपेक्षा टारगेट से अधिक की धान खरीदी हुई है। महासमुंद जिले की बात करें तो साल 2018 में समर्थन मूल्य में 55,06,000 क्विंटल धान की खरीदी की गई, लेकिन वहीं साल 2019 में समर्थन मूल्य बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने किसानों से 71,28,000 क्विंटल धान की खरीदी की है, जो पिछले साल की तुलना में 33% अधिक है। बारिश भी अच्छी हुई, पैदावार भी अच्छी हुई और खरीदी भी, किसानों की खरीदी भी अच्छी हुई है, इसलिए धान बच गया है। 33% अधिक खरीदी हुई है।